करुणा से ओत प्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में कैसा होता है, लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बोले का व्यक्ति भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा सुंदरता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर मोटे भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे और हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम स्नेह तथा सांत्वना पूर्वकों द्वारा शांति और सुंदरता प्राप्त करता था। दूसरा प्रश्न है कि फादर मोटे भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो फादर मोटे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके हैं। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रचबस गए थे। वे दिल्ली के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वह यहाँ के रीत रिवाजों से भी परिचित थे, अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बोलके भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बोलके का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो फादर बोलके कि हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी को तैयार किया और फिर भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में BA तथा इलाहाबाद से MA किया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर PhD की उपाधि प्राप्त की और ब्लूबर्ड का अनुवाद नीलपंच के नाम से तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और वह परमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए। तो इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि फादर बोलके का हिंदी से प्रेम था। अगला प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बोलके की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर कामिल बोलके का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था और ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वह हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे, जैसे ईसाई लोग पहनते हैं, तो एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। उनका गोरा रंग, सफ़ेद छाई मारती पूरी दाढ़ी, नीली आँखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी और उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वह वात्सल एवं प्रेम की मूर्ति थे, हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी और दुखी विरक्त लोगों को वह सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर सुंदरता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। भारत जब से वो भारत आए थे तो सिर्फ 2 या 3 बार अपने देश गए थे, यानी अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल में वो सिर्फ भारत आने के बाद सिर्फ 2 या 3 बार गए हुए, बाकी समय उन्होंने अपना भारत में ही बिताया। अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बोलके को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। फादर बोलके मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे, यानी कि जैसे मानव के अंदर जो दया भावना होती है वो सारी चीजें उनके अंदर थी, सारे गुण जो होने चाहिए मनुष्य के अंदर वो सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे और उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था और वह लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल तैरता रहता था। वह जिससे भी एक बार मिल लेते थे सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। जब भी मिलते थे उसका हाल चाल पूछते थे, परिवार के हर सदस्य के बारे में पूछते थे और किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वह यथाशक्ति प्रयास करते थे, मतलब जितना भी उनमें सामर्थ्य रहता था वो उतना प्रयास करते थे। अगला प्रश्न है कि फादर बोलके ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है कैसे। तो सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह हर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में
मनुष्य एकदम विरक्त हो जाता है उसके सांसारिक चीज़ों से, कोई लेना देना नहीं रहता है किसी प्रकार का, कोई रिश्तेदार नातेदार उसके नहीं होते, कोई सगा संबंधी नहीं होता है, तो सिर्फ वह भगवान के भजन में लगा रहता है, भगवान की साधना में लग जाता है, फिर उसका वैराग्य धारण कर लेता है। उसी सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अलगाव नहीं होता है, वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है, वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख से पूर्णतया विरक्त रहता है, परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग फादर पुलकी की भूमिका रही, जैसे इन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा और कुछ दिनों तक की कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, और वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भाग शामिल होते थे, इसलिए फादर पुलकी की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपसे स्पष्ट कीजिए, अब इसमें पहला पंक्ति दिया हुआ है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आपसे स्पष्ट करिए, तो फादर कामिल पुलकी की मृत्यु पर उनके मित्र परिचित और साहित्यिक मित्र यानी कि जो परमा संस्था से जुड़े हुए थे वो सारे लोग और इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था, अर्थात बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, और इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करना या स्याही को बर्बाद करने जैसा था। अगला है, अगली पंक्ति जो है, फादर को याद करना एक उदास संगीत शांत संगीत को सुनने जैसा है, हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करड़ा क्रूर और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है, फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है, उनके ना रहने से मन उदासी से भर जाता है। रचना और अभिव्यक्ति, आपके विचार से पुलकी ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो फादर कामिल पुलकी के मन में हिंदी साहित्य हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी और फादर के मन में शायद भारत के संतों ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा, साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। नौवा है कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इस पंक्ति में फादर पुलकी की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है, आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो फादर कामिल पुलकी की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी और फादर पुलकी की इस कथन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि से उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था, वहाँ उनकी माँ तथा परिवार के अन्य लोग रहते थे, मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ यानी यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं, हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है, हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है और यहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है, हम चाहे जहाँ भी रहें परंतु ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। ओके बच्चों, यहीं पे आपका पाठ समाप्त होता है, इसको आप लोग कॉपी में